उसके बाद जो ना इन्होंने ये इसमें नेशनल ओशनोग्राफिक डिपार्टमेंट ये है वहां एन नेशनल ओशनोग्राफिक जाके जो ना उन्होंने इसके एक मेरी टाइम आर्कियोलॉजी का एक ब्रांच शुरू किया द्वारका जी तो उसमें उनको जो ना जो पहले जो हम लोग इतिहास में जो कहते थे जो द्वारका जो कृष्ण का जो द्वारका का उसके कुछ पोर्शन आइडेंटिफाई किया है एंड ही ऑल्सो फ्रॉम देयर जो उस जमाने में यूज किया करता था उसका डेटिंग उन्होंने ऑलमोस्ट किया है 1400 ऑलमोस्ट महाभारत पीरियड का है महाभारत okay. पीरियड का भी जो डेटिंग एक आर्क्योलॉजिस्ट से अगर आप पूछेंगे विथ ऑल द करेक्शन इट इज वुड बी 1400 1500 थाउजेंड का है एंड लगभग वही पीरियड द्वारका का भी है okay. okay. क्या रिसर्च हुआ है महाभारत पर मतलब महाभारत के पीरियड के जो एक्सकोवेशन जो किया था वो प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने किया okay. था okay. जो हस्तिनापुर का जो एक्सकोवेशन है वो एक्सकोवेशन में वहाँ वायु पुराण में एक प्रलय के बारे में तस्करा है तो उन्होंने जब एक्सकोवेशन करके वो प्रलय की जो न, जो ये था लाइंस थे वो लाइंस उनको मिला एंड ही वायु पुराण में इन्होंने कहा था ये जो ना एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ है आफ्टर दिस पीरियड पे महाभारत युद्ध में जो ये लोग जीत गया पांडवास जीत गए कवरवास हार के उसके बाद हु द किंग तो सब लोगों ने कहा कि हमें तो खैर तो किड नहीं चाहिए किंगशिप नहीं चाहिए लेकिन इट इज यूटी ऑल्सो योर ड्यूटी टू द कंट्री तो आखिर में सब ने कहा कि हमें सबसे छोटा आदमी है वो बनेंगे सबसे छोटा कौन था दरिचित परिचित कौन है अभिमन्यु के बेटे तो ये रेफरेंस में आयु बीरान में ये कहा है कि कि उनकी अभि के एथ जनरेशन जब रूल कर रहे थे हस्तिनापुर वहाँ एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया उसके बाद जो ना यहाँ से लोग माइग्रेट करके गया कौशाम्बी कहा कौश्या कौशाम्बी आजकल का अलाहाबाद ओके ओके तो उसका रेफरेंस जो है ये यह फिर यहाँ एस्वेशन किया उन्होंने तब जो ना उनको एक पोट्री मिला उस पीरियड में जिसको हम लोग कहते हैं पी जी डब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं थोड़ा सा ग्रे वेयर में होगा ग्रे कलर होगा उसमें थोड़ा सा पेंटिंग है तो हैं। और, और, और कुरुक्षेत्र हो गया उसके बाद जो ना पांच जगह थे इंद्रपथ तिलपत बागपत सोनीपत इन सारी जगह जो महाभारत से असोसिएटेड है उन सग सब जगह से सबसे नीचे का एरिया से ये पोट्री मिला तो इसलिए उसको जो ना महाभारत पोट्री कहते हैं okay. तो उसी बेसिस पे जो ना इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया ये वहां उस पीरियड है 1400 1500 बीसी दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर कम्युनिटी ये 1400 बीसी के आसपास अच्छा, महाभारत हुआ महाभारत हुआ है ओके okay, हुआ yeah. है हुआ है कुरुक्षेत्र 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 में 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 हुई है में भी है okay. भी वहां पर भी भी हुआ पर इसी तरीके से जो कल्चरल जो जो मिला है बिल्कुल इसी तरीके से है पर मिले किया था एंड okay. मथुरा में किया था मथुरा जो कृष्ण के जन्म बहुत सारी जगह पे जो कल्चरल जो मिल रहा है

वो बहुत बड़ा शहर न जो जिस तरीके का वर्णन मिलते थे उस तरीके का वर्णन जन्म वाले जन शहर बहुत कम मिला है इसलिए मुझे ऐसे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा क्योंकि हिस्ट्री भी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस मिस्टीरियस है से आप और ज्यादा जान सकते हो हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों से महाभारत के बारे में पूछा शो पर हर कोई अलग जवाब देता है बहुत सारे लोग कहते हैं थ्री थाउजेंड बी के आसपास का फेज है महाभारत का आई डोंट नो पर जब मैं आके ऑलज से बात करता हूँ वो ये पेंटेड ग्रे वेयर की बातें होती है हम्म hmm. वो असल में जो वो जो जो रहता है वाइपुराण का जी वो वाइपुराण का जो रेफरेंस है वो बहुत सही प्रोफेसर लाल साहब ने निकाला था उसमें कहते हैं तस्मीन नगरे नागस्वाघे युक्तार निजच्छू नगरम कौशांपेयम सनिवोत्सायदे सो so, आई I मीन mean, व्हेन ही वाज निजच्छू वाज रूलिंग निजच्छू वाज 8

Uh, प्रलय मतलब बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग या सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग्लडिंग ठीक है और प्रलय और फ्लडिंग ना होते रहते हैं दुनिया के हिस्ट्री में होते रहते हैं चेन ऑफ यूजली मीटे और स्ट्राइक्स की वजह से इट इज मोस्टली बिकॉज क्लाइमेटिक्लोबल की बात है आज कर रहे पॉल्यूशन हाँ। का बहुत बड़ा रोल रहता है क्लाइमेटिका बहुत बड़ा ये हुआ है मतलब आप एक बहुत मैक्रो टाइम स्केल पर बात करें फोर सीजन अगर आपने कहा तो लोग एक साल के पीरियड में Thousand में yes, yes. okay. में बात करें। कभी ये हम archaeological में बात करें। कभी 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 हम हो जाते <laughs> आ, आपका है आ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नर्सरी हमको पढ़ना पड़ता है इसको क्यों आपको पूरा जो ना इसको जो समझने के लिए पूरा दुनिया को आपको समझना है क्यों? क्योंकि सीजनल चेंजेस के बारे में And the changes, human कैसे हुआ। hmm. मैंने कहा, जो वि के, के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए आपको माइक्रोस्टडी कीजिए जैसे महाभारत में आई थिंक द स्टोरी इज कि गांधारी ने कृष्ण भगवान को एक श्राप दिया था कि आपकी पूरी डायनेस्टी इवेंचुअली डायनेस्टीचुअली मिट्टे द्वारका पानी के नीचे आ जाएगा yeah, 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 और फिर साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग फ्लडिंग हो गई वहां yes, yes, yes. पर द्वारका जो अभी पानी के भीतर है वहां एक्सप्लोरेशन हुई है लाल साहब ने किया सॉरी प्रोफेसर एस आर राव ने किया था मेरा सवाल यह है कि आज की गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट बेसिकली द्वारका और वो जो तमिलनाडु के बाहर एरिया है ये पुपु हर कहते हैं इन दोनों जगहों में ज्यादा एक्सप्लोरेशन के पैसे क्यों नहीं दे रही एएसआई को या इज इट नॉट एएसआईस डोमेन नहीं एएसआई जो पहले जो काम करते थे वो एस आर राव साहब जिन्हें ही वाज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके लेकिन जो उन्होंने एक्सकवेशन किया था That was national, बे, 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 बे ये था एन आईओ करके गोवा में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से किया अब था अब रिसर्च क्यों नहीं हो रहा होना चाहिए ऐसे हो आर्क्योलॉजी को ही वो कोई तवजो नहीं दे रहे बीजेपी गवर्नमेंट जो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा क्रिटिसिज्म पर बदलाव ला सकते बदलाव ला सकते

है या नहीं मत इंटरनेट की क्राउड फंडिंग से भी हो सकता है yes, फंडिंग से भी हो सकता है लेकिन जो ना, में सब के लिए, की की है ना उसमें यू नीड टू गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ऑल दिस थिंग जी तो वो बहुत जरूरी है मिलना इतना मुश्किल होगा इस मिशन के लिए

लोग जो ना एटलीस्ट यू कैन ट्रिगर पीपल जब ट्रिगर करेंगे ये कहीं ना कहीं जो ना इसका ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे ओके okay. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बाकी के वीडियोस भी देखिए बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स क्लिप हिंदी पर आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त